चुकी है दोस्तों, ये तीन तीन सैदियों में कुश्ती हो चुकी है दोस्तों। ये कबूतर पकड़ा है संजय भैया ने, सैदी ने ना मेरे 24 पकड़ लिए, नए कबूतर लाया था मैं जी, बम भटक गए थे, भटका दिए थे किसी ने जी, 24 पकड़ लिए थे उसने, 24 और 24 ओवर का ना एक ये मुंगिया मार लिया, पकड़ लिया गिरदान, 3 साल का गिरदान है उसका, लोहे का गति। क्या बात है ये। हेलो फ्रेंड्स, कबूतरों से मोहब्बत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रथम गिरधर। दोस्तों आज हम आ गए रोहतक के सोराकोटी इलाके में, और जिनके पास आया उनका नाम है संजय भैया। संजय भैया कैसे आप? ठीक हो भैया, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया संजय भैया। और ये संजय भैया के बेटे सौरभ, कैसे सौरभ? और ये है सौरभ के सारे दोस्त। तो संजय भैया आज हमारी ऑडियंस को क्या शो कराने वाले हैं? लड़िया का शो कराऊंगा सर, लड़िया का शो कराएंगे। संजय भैया कैसे कैसे कबूतर है आपके पास, कौन कौन सी नस्ल आपने रख रखी अपनी छत पर? पटियाले 90 पूरे, सारे के सारे पटियाले आपके पास? हाँ। तो ये कितनी कितनी टुकड़ियों में लड़ते हैं संजय भैया? सभी में लड़ते हैं आप पड़ोस में। अच्छा, सबसे शायद है? सबसे शायद लेमदेव किसी से नहीं है। अच्छा, सबसे शायद और सबसे मतलब लड़िया का ही शौक कराने वाले हैं। बहुत बढ़िया, चलिए दोस्तों भी करते हैं लड़िया का शौक, बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। संजय भैया एक कबूतर दिखाना चाहते हैं दोस्तों, जो कि उन्होंने सैदी का पकड़ रखा है। जी संजय भैया। भाई उस सैदी ने ना मेरे 24 पकड़ लिए, नए कबूतर लाया था मैं जी, बम भटक गए थे, भटका दिए थे किसी ने जी, 24 पकड़ लिए थे उसने, 24 और 24 ओवर का ना एक ये मुंगिया मार लिया, पकड़ लिया गिरदान, 3 साल का गिरदान है उसका, लोहे का गति, 24 के टक्कर का एक ही पकड़ लिया, एक ही पकड़ लिया। क्या बात है, मुंगिया बना हुआ बना हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये कबूतर पकड़ा है संजय भैया ने, बहुत ही प्यारा कबूतर है दोस्तों। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों क्या बात है, ये सैदी का पकड़ रखा है, भैया के बेटे हैं सौरभ। ये देखो भाई लालबंद गागरे। क्या बात है, ये लालबंद मादी ने दोस्तों अमरोहा से मंगवाई थी भाई। अच्छा, अमरोहा से मंगवाई थी? क्या बात है, बहुत ही प्यारी मादी ने, थोड़ा सा नीचे करना। ये देखिए मकसाट देखिए, गंडे देखिए, बहुत ही शानदार है दोस्तों, वाइट बार बता रहे हैं इसको, अच्छी कबूतरी है दोस्तों वैसे ये। ये देखिए क्या बात है, ये स्पेशली अंडे बच्चों के लिए रख रखे है। पुराना शौक है गागरे लालबंद का। अच्छा, पुराना शौक है, सबसे पुराना शौक, सबसे पुराना शौक है। बहुत ही प्यारी नस्ल है ये लालबंद गागरों की। ये देखिए बहुत ही शानदार कबूतरी है दोस्तों, ये तो बेस्ट का नर। अच्छा, इसी के जोड़े का नर है ये, देखिए नर भी बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो कुछ बच्चे लिए सौरभ भाई इसके? ना भैया, अभी लाए हैं, 4-5 दिन हुए इनको लाए हुए अभी। अच्छा, अभी लेके आए हैं। थोड़ा इधर से दिखाना, ये देखिए कुछ इस तरह के गंडे हैं इसके। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा जोड़ा है ये, स्पेशली भैया ने अमरोहा से मंगवा रखा है, और मादी बहुत ही प्यारी है दोस्तों, अच्छे गंडों की है। संजय भी अपना जाल खोल रहे हैं, लड़ैया का जो भी साज है, ये सारा का सारा साज है संजय भैया का। ये सारे नए कबूतर लेके आए हैं संजय भैया। देखिए दोस्तों शौक करिए, कुछ इस तरह के कबूतर हैं इनके, देखिए शौक करिए, सारे ही पटियाले कबूतर हैं। ये देखिए सुरखा कितना शानदार कबूतर है दोस्तों, थोड़ा इसके पैर में शायद दिक्कत है। ये दो बबरे हो गए पटियाले, ये देखिए दोस्तों ये बबरा चांदना भी बहुत ही प्यारा है, एक ये सुरखा और हो गया। ये जंगला छह दिन मांग उतर था भाई। कौन सा? ये जो जंगला है। अच्छा, ये जंगले का जोड़ा बता रहे हैं, 6 दिन में आगे उतरा था जब ये नए लेके आए थे। ये चोटीदार भी बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्या बात है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब। सौरभ ने कबूतर उड़ा दिया दोस्तों, ये 65 एक कबूतर है दोस्तों। एक और सैदी के खुल चुके हैं, ये किसी में कुश्ती हुई है ना? हाँ। छोटी में कुश्ती हो चुकी है, ये एक और सैदी के उड़ गया दोस्तों।
ये कुश्ती हो चुकी है दोस्तों, ये तीन तीन सैदियों में कुश्ती हो चुकी है दोस्तों। ये आए कुछ कबूतर अपने निकल के, हर मतलब हर छत पे कबूतर है दोस्तों। यहाँ पे एक छत छोड़ के एक छत पे कबूतर है। ये देखिए दोस्तों, सारे पटियाले कबूतर है, एक दो देसी होंगे इसके अंदर, सारे ही पटियाले हैं, अच्छे कबूतर है। ये गवा फिर उड़ा दिए सौरव ने, ये सैदी के भी उड़ चुके हैं। ये आया साज, ये हो चुकी है दोस्तों कुश्ती। बिठा लिए, ये सैदी की छत का तोड़ दे दिया। ये सैदी का एक कबूतर लग के आया था, निकल के जा चुका है। कुछ नहीं है ना भैया, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, एक से एक प्यारा कबूतर है, इसके अंदर सारे ही पटियाले हैं। ये देखिए कैसा साज है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। ये जर्द देखिए, जर्द घंटे बना, बहुत ही शानदार कबूतर है। ये कबा फिर उड़ गया दोस्तों। ये दोस्तों फिर होते होते हो गई है दोस्तों, कुश्ती हो चुकी है। ये अंकल ने आपको भी दिखा दिया। हर हवा दोस्तों कुश्ती हो रही है, क्योंकि हर छत पे कबूतर है यहाँ पर। बहुत शौकीन है सोरा कोठी पे भी, रोहतक की सोरा कोठी इलाके का शौक है दोस्तों। शौक करिए हर एक कबूतर का, अच्छे कबूतर है, बहुत ही प्यारे कबूतर है दोस्तों, पटियाले कबूतर है। फिर उड़ा चुके एक हवा, कुश्ती हो चुकी है दोस्तों। तीन दिन तो बढ़िया कुश्ती हुई है।
ये देखिए दोस्तों, ये भी एक कैच कबूतर छोड़ रखा है। ये भी शायद किसी ना किसी का पकड़ रखा है इन्होंने, सैली का। ये भी पकड़ रखा है सौरभ भाई, किसका पकड़ा पता नहीं, किसका जिसका वाली। अच्छा, घूमता फिरता पकड़ा यार। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कबूतर है जी। 20 कबूतर पकड़ रखे है इस सर्दी, इस सीजन पे 40 बेच दिए और 20 अभी रुके हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया, ये सैदी की टुकड़ी दोस्तों। बुला सौरभ, बुला। ये बहुत सारे कबूतर लगे हुए थे दोस्तों, सारे निकल के आए। ये कबा फिर उड़ा दिया दोस्तों कबूतर, ये सैदी के साथ। ये हो चुकी है दोस्तों कुश्ती, थोड़े कन्नम कन्ना हो रही है दोस्तों। ये सैदी ने तुरंत बिठा लिए, सैदी आवाज मारे, ये अपने छत पे आ गए दोस्तों कबूतर। उड़ा दिया दोस्तों कबूतर, ये सैदी की टुकड़ी भी उड़ चुकी है। ये हो चुकी है कुश्ती दोस्तों, इस हवा फिर कुश्ती हो चुकी है और ये सैदी की तोड़ बन चुकी है। ये आ चुकी है छत पे वापस, ये सैदी की तोड़ बन चुकी है। ये दोस्तों बैठता बैठता गया कबूतर, लाल बंसा घाघरा सा कबूतर था। कुछ है सौरभ? कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब जाल में रोक लिए भाई, भैया ने खोलता ही नहीं। अच्छा, जाल में रोक लिए। सही है, सौरभ भाई कह रहे अब तो सबका जाल में दाना करवा देंगे। फिर उड़ा दिया सौरभ ने कबूतर दोस्तों। ये शादी के भी उड़ चुके, ये सैदी का तोड़ हो गया दोस्तों। सर आवाज मारा करो, सैदी का तोड़ मत दिया करो, इस सैदी का ही तोड़ दे दिया सौरभ ने। उड़ा दिया सौरभ ने, ये सैदी के भी उड़ चुके हैं। ये हो चुकी दोस्तों कुश्ती, ये सैदी से दोस्तों हो चुकी है कुश्ती। ये सैदी की तोड़ बैठ गई है। ये कहीं निकल गए सैदी के।
शौक है सौरभ भाई? एक साल होगा जब से पापा लाए, जब से शौक है मुझको तो। जब से शौक है? क्या बात है, कोई सा किसी का बैठता तो सीधा छपका तुरंत? हाँ, पापा तो हाथ से पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं तो छपका मारता हूँ बस। क्या बात है, रोज का एक दो, रोज का एक दो पकड़ के सोम, रोज का एक दो पकड़ के। बहुत ही बढ़िया। पैर उड़ा दिए, सैदी के भी उड़ चुके हैं। ये तुरंत ही घेर लिए सैदी ने। ये छत, उसी की छत की तोड़ होगी दोस्तों सैदी की। ये बहुत सारे कबूतर निकल के गए। ये दौड़ निकल के गए दोस्तों। ये एक लाल सराजी था, बैठ गया, दो लग के आ रहे थे दोस्तों। ये फिर उड़ा दिया एक बार। अच्छा, उन्हों का मेरा है नहीं, है नहीं, पांच पट्टे पकड़ दे इसके। अच्छा, सैदी के पांच पट्टे? उन्हों की गिनती भी नहीं ना करवाई हमने, पट्टों की गिनती भी नहीं करवाई। अच्छा, पट्टों की गिनती भी नहीं करी? हां, मुंगिया दिखा दे इसका 30 भर का। क्या बात है भाई, अरे एक के मुंगिया दिखाया है 30 के बराबर कबूतर। हां, 3 साल की गिरदान, 3 साल की गिरदान। क्या बात है। आ देखो बाबा ऊपर लग रहा है, बैठा बैठा आओ आओ। ये सर उठा दिए दोस्तों। कुछ नहीं है ना सौरभ? कुछ नहीं है ना, सभा ही प्यारा साज है दोस्तों। ये बहुत सारे कबूतर ऊपर भी बैठे।
उड़ा दिए। ये सैंडल भी उड़ा दिए दोस्तों। कुश्ती हो चुकी है और अंधेरा भी होने वाला और कुश्ती रुकने का नाम नहीं ले रही। हर हवा कुश्ती हो रही है। ये बहुत से कबूतर गए दोस्तों। ये एक सैदी का निकल के गया भाई, मारे तो छत पे ठाला आया करे अगले की। क्या बात है। एक हवा फिर उठा दिया सौरभ ने। सब बाज गए भाई, अब उठ गए। ये उठ चुके हैं सैदी के भी दोस्तों। ये होगी दोस्तों कुश्ती होगी। ये कुछ कबूतर लगे दोस्तों। भैया मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ और जो वीडियो देख रहे भैया वो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। जय हिंद। थैंक यू सौरभ भाई। ये दोस्तों एक घंटे का शौक था, सौरभ भाई ने कबूतर अंदर कर दिए। ये इनकी छत पे दो जाल है दोस्तों, एक में पकड़े थकड़े हैं और एक में इनका लड़ता हुआ साँच है। तो दोस्तों ये शौक था सोरा कोटी से संजय बिया का और सौरभ भाई का। अगर शौक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद जय हिंद।